जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। तो बहुत बहुत स्वागत करते हैं इस चाणक्य फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर में। जैसे कि आपको बता दूं कि बिहार पुलिस की जो एग्जाम हो रही है 7 और 11 हो चुकी है, ठीक है। तो ये एग्जाम जो है इसके बाद भी 18 को भी है, शायद 21 को, 25 को, 28 को, ये सारे डेट में एग्जाम है बिहार पुलिस के। 6 शिफ्ट में एग्जाम हो रहा है, तो आखिर रिजल्ट कैसे आएगा? तो बिहार पुलिस ने पहले ही एक विज्ञापन जारी करके ये बता दिया था कि हम एक नोटिस जारी करके ये बता दिया था हम जो इस बार रिजल्ट देंगे वो नॉर्मलाइजेशन करेंगे। तो नॉर्मलाइजेशन होता क्या है बिहार पुलिस में, कैसे नॉर्मलाइजेशन किया जाता है? तो बच्चे जो है उनकी जो नंबरें आ रही हैं, रॉ मार्क्स जितना आ रहा है वो क्या उसमें नंबर बढ़ेगा या घटेगा, कैसे ये रिजल्ट आएंगे, तो इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे इसी चैनल के माध्यम से। तो मैं चाहूंगा कि जिन भी बच्चों का बिहार पुलिस का एग्जाम है वो सब कोई आपस में इस वीडियो को शेयर कर दे, ताकि आपको ये बखूबी पता चल जाए कि हाँ आपकी नॉर्मलाइजेशन किस बेसिस पे होगी, कैसे आप नॉर्मलाइजेशन के नंबर बढ़ सकते हैं, आप में कितना नंबर आप लाएंगे। इसके बाद एक कट ऑफ की भी वीडियो जाएगी, एग्जाम हो जाने दीजिए, क्योंकि एग्जाम के बीच में कट ऑफ की वीडियो लाना वो थोड़ी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि एग्जाम का क्वेश्चन का लेवल अभी आने आगे वाला पता नहीं है, क्योंकि अभी जो एग्जाम हो चुकी है उनका लेवल मुझे पता है, उनका एनालिसिस किया हुआ पता है कि हाँ भाई टाइप का क्वेश्चन पूछा गया, बहुत हार्ड था, बहुत इजी था, क्योंकि ये सारा डिपेंड करेगा इसी पर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि चाणक्य फिजिकल जो कि आपको बहुत बखूबी फिजिकल की तैयारी कराता है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिया है, जिसका कोई प्रमाण आप हमारे YouTube पर देख सकते हैं। मैं बोलूंगा क्या, आप रिजल्ट देख सकते हैं, जो भी बच्चे ट्रेनिंग में है या फिर जो बच्चे जॉब में है उनसे आप पता कर ले कि चाणक्य फिजिकल में कितना अच्छा रिजल्ट होता है। तो आप हमारे साथ जुड़े चाणक्य फिजिकल में, ताकि आपको फिजिकल बखूबी कराया जाए और रिजल्ट को बर्बाद ना किया जाए। तो अब हम जानेंगे कि ये नॉर्मलाइजेशन होता क्या है। उसके पहले मैं आपको एक बात बोल दूं, देखिए किसी की भी वीडियो या किसी के भी मैं बोले हुए बात पे टिप्पणी नहीं करता हूँ, मेरे चैनल पे ऐसा कोई वीडियो नहीं होगा, ठीक है। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि जो भी हमारे रिस्पेक्टेड टीचर हैं, मैं उनको बोल दूं कि बार बार ये गांधी मैदान का नाम और ऐसे ना सामूहिक नाम लेने से अच्छा है कि आप एक काम करो, जिनके बारे में अगर आपको इतना पता है तो ये भी पता होगा कि कौन धांधली कर रहे हैं, करवा रहे हैं, या फिर कौन संलिप्त है या नहीं है, तो आप डायरेक्टली उनका नाम रखिए, ताकि बच्चे भी सचेत रहे कि हाँ वहां पे नहीं जाना चाहिए। अगर आप ऐसे बोलोगे तो गांधी मैदान में बहुत सारे हमारे भाई का अकेडमी चलता है, तो सबको प्रभाव पड़ेगा, और ये फिजिकल और प्रभाव पड़ने का कारण बच्चों का रिजल्ट भी है, क्योंकि सिर्फ रिटर्न करने से थोड़ी नौकरी लग जाएगा बच्चों का बिहार पुलिस में और दरोगा में, ऐसा नहीं है। जो बच्चे जो टीचर सोचते हैं कि सिर्फ हम रिटर्न करा देंगे तो नौकरी लग जाएगा बच्चा का, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पटना बिहार में जो बाजार समिति, बिकना पहाड़िया, अशोक राजपथ, बोरिंग रोड, इतने सारे जो कोचिंग के हब है, ठीक है, जो दरोगा और सिपाही की तैयारी कराते हैं, तो रिजल्ट देने से थोड़ी नौकरी लग जाएगा, हालांकि नौकरी लगेगा फिजिकल करने से ही, ठीक है। तो आज की जनरेशन है वो थोड़ा फास्ट काम कर रही है, और हमारा जो CSBC है वो टाइम भी नहीं देता फिजिकल करने के लिए। जब टाइम नहीं दे रहा है तो बच्चे करेंगे क्या? खुद से प्रैक्टिस करने के बाद बहुत सारा दिक्कतें आता है, बहुत सारी प्रॉब्लमें झेलनी पड़ती है, तो उस सारे प्रॉब्लमों का बहुत कुछ ना कुछ निदान होता है, एक्सरसाइज होता है, वो सब चीज होता है, तो ये सारे फिजिकल टीचर ही कराते हैं। तो जो भी टीचर्स ऐसे हैं जो डायरेक्टली बदनाम कर रहे हैं, आप जैसे नाम रखिए सीधा सीधा एकदम, और उन पर FIR कीजिए, जो करना है कीजिए, वो समझेंगे अपना, लेकिन सामूहिक रूप से आप इस तरीके से किसी का नाम लेंगे तो वो कहीं ना कहीं दिक्कतें आएंगी, ठीक है। बच्चे लोगों के मन में भ्रम पैदा ना करें, क्योंकि फिजिकल बहुत ही टफ काम है रिटर्न से, मुझे लगता है जहां तक कि रिटर्न से ज्यादा टफ काम है फिजिकल, क्योंकि ये शारीरिक श्रम दान देना पड़ता है ट्रैक को, और बहुत ही मेहनत लगती है इस चीज के लिए, हर एक बच्चे का स्टैमिना अलग होता है, इस चीज को समझिए आप लोग, उसमें टाइम लगता है। कोई बच्चा बहुत जल्दी फिजिकल कर लेता है, सीख जाता है, वो टाइमिंग में आ जाता है, बहुत का टाइम लगता है, तो ये टोटली डिपेंड करता है उनके खान पान, उनके रहन सहन और उनके सारे एक्सरसाइज और फिटनेस की वजह से। तो कृपया आप लोग भ्रमित ना करें। तो मैं अब बता दूं कि नॉर्मलाइजेशन होता कैसे है, चलिए ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन आज की जो हमारी बात थी वो नॉर्मलाइजेशन के ऊपर थी, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन जो है वो बिहार पुलिस में 6 शिफ्ट का एग्जाम है। टोटल कितना शिफ्ट का एग्जाम है ये आप लोगों को ही पता होगा, टोटल जो शिफ्ट है आपका ये आपका 6 शिफ्ट है, ठीक है। 6 शिफ्ट में आपकी बिहार पुलिस की एग्जाम होनी है, ठीक है। तो इसमें आपकी जो नंबरें आएंगी वो कैसे आएंगी, जितना भी रॉ मार्क्स आपका आ रहा है उसमें नंबर बढ़ेगा कैसे, घटेगा कैसे? तो फिलहाल देखिए अब क्या होगा कि ये 6 शिफ्ट के एग्जाम में कोई भी शिफ्ट ऐसा होगा जिसमें कि बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा, बहुत हार्ड नहीं मतलब एक लेवल होगा क्वेश्चन का अपना जो लेवल होता है, और एक मीडियम होगा जो मतलब सब कोई कर लेगा, एक बहुत ही ईजी होगा जो मतलब बहुत ही आसान होगा पेपर वो देने में सारे बच्चे लोगों को। तो ये नॉर्मलाइजेशन होता कैसे है, ये होगा कैसे हमारे बिहार पुलिस में, इसको समझिए थोड़ा सा, क्योंकि बच्चे बोलेंगे कि हाँ मैंने 30 मारा था और हमारा नंबर आया 40,
ठीक है, तो ये हुआ कैसे भाई? तो अब देखिए ये होता कैसे है। मान लीजिए कि जो एग्जाम आप दे रहे हैं, ये बिहार पुलिस के लिए मैं बता रहा हूं आपको, ये बिहार पुलिस के लिए बताया जा रहा है। तो बिहार पुलिस में होगा क्या कि ये 6 शिफ्ट है, ठीक है। तो 6 शिफ्ट को थोड़ा समझाने में ज्यादा एलेबरेट हो जाएगा, तो मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा शॉर्ट करके आपको समझा दूं, थोड़ा एग्जांपल में, ताकि आप भी समझ जाओ। और ये समझना बहुत जरूरी है, हमारे जितने भी बिहार पुलिस के कैंडिडेट हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं, जो जिनका की एग्जाम होने वाला है, जिनका एग्जाम हो चुका है, तो इस वीडियो के माध्यम से आपको ये जानकारी हो सके तो सबको पहुंचा दीजिए, ताकि ये सारे बच्चे समझ जाए कि हाँ भाई ये आखिर होता क्या है, नॉर्मलाइजेशन होगा कैसे, नंबर बढ़ेगा कैसे। तो मान लीजिए देखिए कि ये नॉर्मलाइजेशन के लिए आपका एग्जाम है 3 शिफ्ट में, 6 शिफ्ट में, वैसे मैं 3 शिफ्ट का ही समझा दे रहा हूं, ठीक है। शिफ्ट आपका 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3। अब ये 3 शिफ्ट में जब आपका एग्जाम हुआ है, और बहुत सारे बच्चे हैं, टोटल हमारे 18 लाख बच्चे हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया, 7 तारीख वाले में 65% बच्चे ही प्रेजेंट हो पाए हैं, बाकी के 35% अब्सेंट रहे हैं। तो मान लीजिए कि देखिए सिर्फ ए का जो बच्चा है उसको मिल गया हार्ड क्वेश्चन, ठीक है, इसको हार्ड मिल गया, इसको मिल गया इजी, इसको मिल गया मीडियम, इसको मीडियम क्वेश्चन मिल गया। अब देखिए जिनका हार्ड आया है क्वेश्चन, जाहिर सी बात है कि आप भी सेट प्रैक्टिस करते होंगे, तो उस सेट प्रैक्टिस के दौरान आपको भी क्या होता होगा कि जिस दिन आपको सेट हार्ड मिलता होगा, तो उस समय देखते होंगे कि सारे बच्चे का नंबर 70 से ऊपर नहीं गया। जिस दिन मीडियम आता होगा उस दिन सारे बच्चे का एवरेज 80 आ गया है। जिस दिन बहुत ईजी रहा है उस दिन सब बच्चे 90 स्कोर कर रहे हैं। ये एक एग्जाम्पल बात कर रहा हूं। तो इसी तरीके से मैं आपको बता दूं कि जिन बच्चों का हार्ड आ रहा है, मान लीजिए कि किसी बच्चे का 50 आया, ये बच्चा है, ये कैंडिडेट है हमारे, ठीक है, तो कैंडिडेट को कुछ इस तरीके से बना दूं, ये हमारे कैंडिडेट हैं, 50 आया, 55 आया, 60 आया, 70 आया और 75 आया, ठीक है, ये हमारे 5 कैंडिडेट हैं, ठीक है। इस 5 कैंडिडेट में किसी का 50 नंबर आ रहा है, 55 नंबर आ रहा है, 60 नंबर आ रहा है, 70 नंबर। ये नॉर्मलाइजेशन समझने की चीज है कि हमारा नंबर कैसे बढ़ता और घटता और किस बेसिस पे। हालांकि देखिए ये जो शिफ्ट है ए बी सी, यानी कि हमारा 6 शिफ्ट है, 6 शिफ्ट को मिलाकर, ठीक है, आपको एक रिजल्ट आएगा, एक रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट के बेसिस पर रिजल्ट जब तभी आएगा उस बेसिस पे आपका एक कट ऑफ होगा, एक कट ऑफ होगा, इस कट ऑफ के हिसाब से आपको रिजल्ट आएगा। तो ये रिजल्ट तो एक ही आएगा, 6 तो रिजल्ट आएंगे नहीं, रिजल्ट एक ही आएगा, क्योंकि ये 6 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, और ये 6 शिफ्ट का मतलब कि नंबर बराबर करना पड़ेगा, तभी तो एक रिजल्ट आएगा। तो बराबर करने के लिए एवरेज निकलता है। तो मैं पहले एक चीज आपको समझा दूं कि मान लीजिए जिनका हार्ड शिफ्ट आया उनको इस तरीके से नंबर आया है, ठीक है, जिनका इजी शिफ्ट आया है उनका मान लीजिए कि 75, 80, 85, 90 और 95, जिनका इजी है, बिल्कुल इजी है, उनका ये नंबर आ गया। अब जिनका मीडियम है उनका 60, 65, 70, 75 और 80। अब देखिए, अब ये जो नंबर आ रही है ये किस बेसिस पे आ रही है, आपके क्वेश्चन पेपर के ऊपर, ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर ओएमआर चेक भी होना है, ठीक है। तो ये पता कैसे चलेगा कि भाई कौन सा शिफ्ट हार्ड है, तो जिन शिफ्ट में बच्चों का स्कोर ज्यादा होगा तो वो शिफ्ट, जिन शिफ्ट में बच्चों का स्कोर ज्यादा होगा वो शिफ्ट हल्का होगा, जिनमें कम होगा तो ये एनालिसिस किया जाएगा कि हाँ भाई कौन से शिफ्ट में कितना कितना एवरेज नंबर आ रहा है बच्चे लोगों का, ठीक है। तो उस तरीके से यहां पे, अच्छा ये बताइए कि अब ये इस तरीके से नंबर आ गए हैं चारों शिफ्ट में, तो अब हमको इसको क्या करना होगा, एक करना होगा। तो एक करने के लिए क्या करेंगे, तो जिनका कम है उसमें जोड़ देंगे, एक सबसे ज्यादा वाले को हम लोग उठाते हैं, ठीक है, इस वाले को अगर हम लोग उठा रहे हैं, ठीक है, तो इसमें अगर हमको इसको जोड़ना होगा, इसके बराबर करना, हार्ड और इजी को बराबर करना होगा, तो हमको क्या करना होगा कि ये हार्ड वाले बच्चे को 25 अंक देंगे, ठीक है, 25 अंक देंगे तो ये 75 हो जाएंगे इनके, इसमें भी इनको हम 25 अंक देंगे, इसमें भी 25 अंक देंगे,
तो जिनका जितना नंबर आया उसमें सबको 25 अंक हम देंगे तभी तो ये इनके समतुल्य हो जाएंगे, इनके समतुल्य हो जाएंगे। अब देखिए जिनका मीडियम है उनको भी यहां पे क्या होगा, 15 नंबर का हमको एडिशनल देना पड़ेगा। यहां भी हम 15 नंबर देंगे, यहां भी 15 नंबर देंगे, यहां भी हम 15 नंबर देंगे, माइनस मत समझ जाइएगा, डैश कर रहा था, यहां भी हम 15 नंबर देंगे। तो अब आप क्या देख रहे हैं इस फिगर के माध्यम से कि ये जो पूरा नंबर है, ये जो पूरा नंबर है, ये नंबर आपका क्या हो गया, इक्वल हो गया, यानी कि आपका शिफ्ट 1+2+3 ये सब आपका इक्वल हो चुका है नंबर के हिसाब से। ठीक है, अब हम इसमें ये देखेंगे कि इस पोजीशन में कि अब हम ये देखेंगे कि भाई ये आखिर अब कट ऑफ कैसे निकाला जाए और ये एवरेज बच्चे कैसे हैं। तो हम इसका एवरेज निकालेंगे, तो एवरेज निकालने के लिए बीच वाले का हम मीडियम निकालेंगे, मीन निकालेंगे सॉरी। अब इस मीन में हम क्या देखेंगे कि भाई इस मीन में 60-85 यानी कि सबका ये नंबर आ गया समतुल्य। ठीक है, तो अब कैटेगरी वाइज इस चीज को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, जनरल ओबीसी एससी एसटी इस तरीके से। अब देखिए यहां पे 60-85-65 इस तीनों का अगर हम लोग मीन निकालते हैं तो इसमें आपको एक नंबर मिलेगा। सपोज करते हैं, मान लीजिए कि अगर इस नंबर में जिनका भी, ठीक है, जिनका भी आ गया 80, ठीक है, 80 जिनका भी है सपोज, वो सारे बच्चे पास कर जाएंगे। अब जोड़ लो भाई अपना अपना अंक, जिनमें 50 नंबर लाए थे 25 नंबर ऐड किए, 75 आए, वो क्वालिफाई नहीं कर पाए। जिनका भी 55 था 25 नंबर ऐड हो गया, वो 80 ले आए, वो क्वालिफाई कर गए। 60 जिनका था 25 नंबर ऐड हो गया, 85 हो गया, वो क्वालिफाई कर गए। 70 नंबर जिन हार्ड शिफ्ट वाले में था, 25 ऐड कर दिए, 90 हो गया, वो क्वालिफाई कर गया। यानी कि जो 80 क्रॉस कर गया, चाहे वो हार्ड शिफ्ट हो या मीडियम शिफ्ट हो, तो वो आपका पूरा पूरा क्रॉस कर गया, जो 80 क्रॉस कर गया उसका रिजल्ट आ गया। तो देखिए अब 75 है, इसमें 15 हम ऐड कर दिए हैं, ठीक है, 7 आया था जिस बच्चे का, 15 ऐड किए क्योंकि हम सब में 15 ऐड किए, तो इसमें डिफरेंसेस देखा गया 15 का, तो 75 आया, नहीं पास किया लड़का। लेकिन यहां पे 65 आया था, 15 इसको नंबर दिया गया मीडियम शिफ्ट वाले को, तो 80 आ गया, वो पास कर गया। इसके बाद के जितने बच्चे थे वो पास कर गए। तो ये होगा रिटर्न का आपका, कि ऐसे आप लोग रिटर्न पास करोगे। अगर आपको कोई कंफ्यूजन होता है इस वीडियो के माध्यम से तो प्लीज आप लोग कमेंट कर लेंगे। अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो फिर से एक वीडियो लाने में हमें कोई तकलीफ नहीं होगी, मैं फिर से एक वीडियो लाऊंगा। और जाहिर सी बात है फिजिकल की तैयारी, जिनका भी 7 और 11 तारीख का एग्जाम हो चुका है, वो लोग बच्चे जिनका रिजल्ट मतलब सॉरी रिजल्ट आने वाला है, यानी रिजल्ट आ जाएगा, नंबर अच्छा है, अपने आप में कॉन्फिडेंस, या फिर YouTube वगैरह से मिला भी लिए होंगे क्वेश्चन, तो आप लोग फिजिकल के लिए लग जाइए क्योंकि समय बहुत कम मिलेगा। इसको तुरंत हो सकता है इसी साल कंप्लीट भी करना होगा, अक्टूबर नवंबर में फिजिकल हो जाएगा। तो आप लोग इस चीज को थोड़ा सा ज्यादा ध्यान में रखते हुए, और अगर आप चाहते हैं कि तुरंत वर्दी मिले, जल्दी वर्दी मिले, 2024 में इसे वर्दी पहन लेना है, तो उस पहनने के दौरान मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपका रिजल्ट आ रहा है, नंबर आ रहा है अच्छा खासा, तो आप रिजल्ट क्योंकि कट ऑफ की वीडियो, क्योंकि एग्जाम हो जाएगी उसके बाद कट ऑफ की वीडियो आएगी, क्योंकि थोड़ा सा एनालिसिस किया जाएगा 6 शिफ्ट के बारे में, उसके बाद एक ब्रॉड लेवल का कट ऑफ भी लेके आएंगे जो कि सटीक होगा आपके लिए। तो ये आशा करते हैं कि नॉर्मलाइजेशन जो है वो आपको समझ में आ गया होगा कि नंबर इक्वल कैसे करते हैं। मान लीजिए एक महीना भी एग्जाम चल रहा है तो उस सब को जोड़ के नंबर कैसे बराबर करते हैं, क्योंकि हमारा जो नंबर था टोटल नंबर हम लोग का बिहार पुलिस में कितना है, 100, और निगेटिव नहीं है, निगेटिव है क्या, एकदम नहीं है। ठीक है, तो जब टोटल 100 में इतना नंबर आप ला रहे हैं और नॉर्मलाइजेशन इसी तरीके से होगा, तो यह डिपेंड करता है टोटल शिफ्ट के हिसाब से और क्वेश्चन के हिसाब से कि आप किस तरीके का क्वेश्चन, आपके शिफ्ट में किस तरीके का क्वेश्चन आ रहा है, हार्ड है या हल्का है। 7 तारीख वाले में देखे थे कि 50 क्वेश्चन बहुत इजी है, 50 क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड है, तो उस हिसाब पे वही 50 क्वेश्चन पे आपकी रिजल्ट को सुनिश्चित किया जाएगा। तो जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं वो अभी भी मन लगा के पढ़िए, क्योंकि इस बार जो रिटर्न की कट ऑफ है वो बिल्कुल कम जाएगी, और रिटर्न की जब कट ऑफ कम जाएगी तो जाहिर सी बात है फिजिकल की भी कट ऑफ कम जाएगी, क्योंकि जो बच्चे पढ़ेंगे वही आएंगे रनिंग के लिए, जो बच्चे पढ़ते हैं वही बच्चे रनिंग करेंगे, लेकिन जो बच्चे पढ़ते हैं उनका फिजिकल थोड़ा सा वीक होता है मैक्सिमम सारे बच्चों का, क्योंकि हम लोग फिजिकल ट्रेनिंग देते हैं और हम लोग को ये बात पता है, क्योंकि दरोगा की भी फिजिकल हम लोगों ने कराया बिहार पुलिस की, इसके पहले 11,880 जो आए थे उसमें हमारे टोटल 1200 से 1500 बच्चे जो कि हमारे अकेडमी के ही सिर्फ है, 8415 में हमको लगता है करीबन 800-900 बच्चे जो है वो हमारे ही अकेडमी के हैं, कांस्टेबल की मैं बात कर रहा हूं। तो
फिजिकल आपको 100% ट्राई कराया जाएगा, इसमें आपको कोई ना नुकुर की सवाल नहीं है। तो अगर ये आपको नॉर्मेशन समझ में आया हो तो बहुत बहुत धन्यवाद होगा, और ना समझ में आओ तो एक बार फिर से कोई बोलिएगा, कमेंट कीजिएगा, हम फिर से कोशिश करेंगे कि आपको वीडियो अच्छा अच्छे तरीके से आ जाए। तो बिहार पुलिस में नॉर्मेशन कैसे होगा, तो इस तरीके के आप इस तरीके से आप देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से ही आपका नॉर्मेशन हो जाएगा। तो नंबर आप अपने आप सोच लीजिए कितना आएगा, कुछ शिफ्ट के हिसाब से डिपेंड करता है, तो बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, कुछ शिफ्ट के हिसाब से डिपेंड करेगा कि आपका नंबर कितना आएगा। तो मिलते रहेंगे हर एक वीडियो में, आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।